गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मतलब हमें प्लांट्स, ट्री प्लांट्स करने चाहिए मोर एंड मोर, जिससे कि हमारी जो अर्थ है उसमें भी फ्रेश एयर आ चुके। तो गाइस, मैं यहाँ पे एक फॉरेस्ट में आई हूँ और बहुत सारे यहाँ पे देखिए कितने सारे ट्रीज़ हैं, कितना सारी ग्रीनरी है, कितना सारा ग्रीन वायल है, जो कि कितना खूबसूरत लगता है ना। हम जैसे अर्बन एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे हाउसेस बिल्ट हैं, और आप जैसे रूरल एरिया में जाओ तो वहाँ पे ट्रीज़ एंड ऑल प्लांटिंग, फार्मिंग, हार्वेस्टिंग, सब इन चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए कितनी सारी ग्रीनरी है, देखिए कितने सारे ग्रीन ट्रीज़ हैं। तुम लोग क्या बोल रहे हो? पूरे साफ करनी है जगह, और यहाँ पे क्यों तुम लोग कौन हो? हम एयरपोर्ट वाले हैं, यहाँ पर पूरा एयरपोर्ट बनेगा यहाँ तक। तुम लोगों ने ये क्या कर रखा है यहाँ पे लोगों ये के लिए? क्या आग, आग जलाने के लिए? तुम्हें किसने परमिशन दी? हम एयरपोर्ट वाले, हमें गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, और ये सारे पेड़ कटने वाले हैं अभी इस टाइम। तुम्हें एयरपोर्ट से क्या मतलब? अभी तुम्हें कोई मतलब है उससे? हाँ भाई, हमें पैसे मिल रहे हैं उससे। पैसे मिल रहे तो तुम डिफोरेस्टेशन क्यों कर रहे हो? भाई सरकार का या मजबूरी प्रोजेक्ट बन रहे हैं? तुम कहीं और लोगों के लिए फायदा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा एयरपोर्ट बनेगा तो बड़े बड़े जहाज यहाँ से लोग जाएंगे। भाई साहब, जहाज उतरेंगे ना, एफोरेस्टेशन तो नहीं हो पाएगी। ग्रीनरी जैसे ये ग्रीन वायल्स हैं, ये तो नहीं हो पाएंगी। दुनिया में बड़े ज्यादा पेड़ है दुनिया में। ठीक है, तुम अपनी मन मर्जी करते रहो, और मैं गवर्नमेंट के आगे इस वीडियो को जरूर अपलोड करूंगी, ठीक है ना। और तुम्हारे में दम होगा ना तो इसको प्राइम मिनिस्टर के पास भी लेके जाना, ठीक है। गाइस, कितने बदतमीज लोग होते हैं, कितने टाइप्स के लोग होते हैं, मतलब है ना। आप देखिए पीछे कितनी सुंदर ग्रीनरी है, ऐसे देख के भी मजा आता है। गाइस, इन लोगों को शर्म नहीं है, देखो कैसे लेके जा रहे हैं, कितने बेशर्म है। कहाँ लेके जा रहे हो? कैमरा के सामने आओ, किधर जा रहे हो? धक्का दे तुम्हारी, कैसे मजाल हो कि तुम किसी लड़की को हाथ लगाए? आप होते कौन यहाँ पे? आप होते कौन यहाँ पे? काम में टांग डालने वाले? क्यों, हमें गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको हमें पैसे मिल जाएंगे। गाइस, हमने आज छापा मारा, उसमें पता चला कि यहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लॉग्स कट किए गए हैं इन लोगों को, इसके वाले कर देंगे। गाइस देखिए, इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है, मतलब जरा सा भी शर्म नहीं। मैंने बोल रहा हूँ कि बंद करो इस काम को, ठीक है ना। तेरे को शर्म है? इधर वीडियो क्यों ब्लॉग्स बना रही है? इधर तेरे को शर्म है? नहीं है तेरे को शर्म? ब्लॉग्स नहीं बना रही हूँ गाइस, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि ये जो डिफोरेस्टेशन है ये कम हो जाए, और होने नहीं चाहिए हमारे इंडिया में। आप देखिए हमारी ओजोन लेयर, जिसमें कितना बड़ा होल हो गया। खुद कर रहा पेड़, खुद। मैं अभी ऑफिसर को बुलाऊंगी, अभी मैं बुलाती हूँ ऑफिसर को। गाइस देखिए, मैंने आपसे पहले भी कन्वे किया मैसेज कि इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं, जबकि मैंने ने बोला कि हमारे जो बड़े साहब हैं रेंजर जी वो आ रहे हैं, और इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं। और देखिए क्या करें आप, ये आपको पता और फॉरेस्ट में कितनी जल्दी आग भड़क जाती है, देख सकते हैं आप, ये देखिए आग माचिस है, देखिए फुटेज कैसे आ गई। तू ओए, फिर से आ गई तू ओए लड़की। गाइस मेरे को, गाइस मेरे को, गाइस मैं इतनी डर गई हूँ, मैं सोच रही हूँ इस जॉब को ही क्विट कर दूँ, क्योंकि ये लोगों ने इतना मुझे डरा रखा है। यहाँ पे गर्ल्स इंडिया में सेफ नहीं है, क्योंकि ये लोग कोई मतलब कभी वेपन्स ले आते हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, कभी किसकी धमकी दे रहे हैं, कभी किसकी धमकी दे रहे हैं। इससे बेटर है गाइस कि हम इसे क्विट कर दें। गाइस देखो मेरे पीछे आ गया, गाइस गाइस मैं बच गई, बचा। कितनी अनसेफ है, कितनी अनसेफ जॉब है गाइस ये। ठीक है गाइस, ये जो रोल था हमने सिर्फ अवेयर करने के लिए किया था। तो अंश आपका क्या विचार है इसके लिए? आपके लिए मेरा विचार है कि हमें ना गार्डन कहीं भी जगह हो, अपने बर्थडे के दिन कहीं भी दो प्लांट जरूर लगाने चाहिए, जिससे लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त हो, और जिससे लोग